के मैदान में मेरे आका के सामने खड़ी होगी। हजरत आयशा तुझसे पूछेगी बेटी कहाँ गई, हजरत फातिमा पूछेगी मेरी बहन तो कहाँ गई थी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, दिल गर्म है लेकिन उन्हें इस्लाम नहीं मिला है, ईमान नहीं मिला है, कुरान नहीं मिला है, मेरे मोबाइल मिला है। इसका जिम्मेदार माँ और बाप थे, पूरा माशरा है। ये मत समझना कि मेरे बाजू वाले की लड़की चली गई तो उसका मसला है, नहीं, ये पूरे माशरे का मसला है, पूरे इस्लामी लोगों का, इस्लाम मुसलमानों का मसला है। नौजवानों खड़े हो जाओ, और जो शादियां नहीं कर रहे हो और फजूल खर्ची करके शादियां कर रहे हो, गैर के लोग हमारी लड़कियों को मुफ्त में लेकर जा रहे हैं और उन्हें लालच दी जा रही है, तुम्हें 5 लाख दी जाएगी, तुम्हें सोना दिया जाएगा, तुम्हें मोबाइल दिया जाएगा, तुम्हें गाड़ियां दी जाएगी। हमारी लड़कियां लालचा कर वहां जा रही है और हमारे नौजवान भिखारी बनकर ठीक मांग रहे हैं, मैं शादी करूंगा तो 2 लाख बाप से लूंगा, गाड़ी लूंगा और कारखाना लूंगा और गाड़ियां लूंगा, इससे बड़ा भिखारी कौन हो सकता है। मस्जिद के दरवाजे पर खड़े रहकर भीख मांग, लड़की से नहीं मांग रहा है, शर्म नहीं आती है तुम्हें, तुम्हारी वजह से लड़कियां गैरों के हवाले हो रही है। एक ऐसी लड़की को हम लेकर आया, आप नहीं मानोगे, कभी आप गुमान नहीं करोगे, आपने सुना नहीं होगा, छोटे देहात की लड़की थी, कुरान की तालीम करती, तो वो तालीम करती और पूरे गांव की औरतें उसकी तालीम सुनने के लिए आते थे। वो लड़की चमार के साथ चली गई, कितनी डूब भरने की बात की, सारी गाँव की औरतें मुंह में उंगलियां, ये लड़की हम सोच नहीं सकते, हम उसकी तालीम सुनने के लिए जाते थे। जब पता चला, जब तहकीकात की गई तो 80% वो लड़कियां हैं जिनके पीछे भगाने में उनके माओ का हाथ है। माँ को पता होता है कि मेरी बेटी किसे बात कर रही है, लेकिन माँ ना बाप को बता, अपने शोहर को बता दिए ना किसी को बता दिए, छुपा कर रखती है। वो छुपाने का अंजाम ये होता है कि हमारी लड़कियां वैरों के हवाले हो गई। जिम्मेदारी हमारी है मेरे दोस्त, मुझे तो हजरत मौलाना हुसैन साहब ने कहा था ये कुछ फितने के ऊपर बात करनी है, लेकिन मेरे दिल का दर्द था जो मैंने आपके सामने रखा है, ये बहुत बड़ा फितना है। हमारे घर की लड़कियां गैरों के हवाले हो रहे हैं, बहुत बड़ा फितना है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा फितना है। माँ बाप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते, यहाँ तो ठीक है तुम छुपा कर घूमोगे, दिन भर जाओगे कब्रिस्तान में सो जाओगे, कयामत के मैदान में मेरे आका पूछेंगे कि मेरी बेटी का देहांत क्यों नहीं रखा। हजरत आयशा पूछेगी मेरी बेटी को तेरे कहां पहुंचा दिया, हजरत फातिमा पूछेगी मेरे बहन को कहां पहुंचा दिया, हम क्या जवाब देंगे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो तहज्जुद पढ़कर अल्लाह से दुआ भी कर ले, अल्लाह हमारी बेटियों की हिफाजत फरमा। और इतना माहौल खराब हुआ है कि लड़कियां तो नौजवान तो ठीक है, लेकिन शादीशुदा औरतें इस पूरी बला में बड़ा बस हैं, शोहर के होते हुए गैरों के साथ नाजायज ताल्लुक रखते हैं, कितनी बुरी आफत है, कितनी बुरी बला है, क्या माशरा जिंदा रह पाएगा। ऐसे जालिम तुम्हारे सर पर मुसल्लत होंगे जो तुम्हारे घरों में जिना हो रहा है। इसलिए अपने माशरे को संभालिए और अपने बेटियों की इज्जतों को संभालिए, बहुत बुरा वक्त चल रहा है और हम टारगेट पर है, हम दहाने पर खड़े हैं, हमारे पीछे गुंडे, ये गद्दार, ये नमक हराम, ये मक्कार लगे हुए और खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, मुस्लिम लड़कियों को लेकर आओ, मुस्लिम लड़कियों के लिए ओपन तो लो, उनका मकसद कुछ नहीं है। कसम खुदा की मैं आपको बताता हूँ, जिन लड़कियों को हम वापस लेकर आए उनके दिल का दर्द अगर आप सुनोगे ना तो आप पत्थर दिल इंसान हो गए, आप रो पड़ोगे कि उनके दिल का दर्द क्या है, उन्हें ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। एक लड़की ने अपनी कहानी सुनाई कि मैंने उसको अपना शोहर माना था, लेकिन 8 महीने के हमल में वो छोड़कर मुझे चला गया, जब वो जूतियां पहनता था तो मेरे शोल्डर पर पांव रखकर जूतियां पहनता था। हमारी बेटियों का हाल बना था, इसलिए ध्यान रखो, अपने बच्चियों का ख्याल रखो, अपने बेटियों का ख्याल रखो। अल्लाह के वास्ते मोबाइल छीन लो, कोई जरूरत नहीं औरतों को मोबाइल दिलाने की, ये सबसे बड़ा खतरा है। थोड़ा दिल पर पत्थर रखकर काम कर लीजिए, अपने बच्चियों की अगर हिफाजत करनी है, अल्लाह पाक जो कितने हमारे दरमियान चल रहे हैं उन फितनों को खत्म फरमा दे, हमारी और उम्मत मुस्लिमा की और कयामत तक आने वाली उम्मत की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।